नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका। कांवड़ रूट पर नाम लिखने की रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे। पुणे में 57 साल बाद हुई 114 mm बारिश। आपको बता दें गुजरात के 10 जिलों में आई बाढ़, तो सूरत में 1,00,000 लोग हुए प्रभावित। आज 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। बीजेपी के पूर्व मध्य प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का हुआ निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज सुबह 5 बजे ली अंतिम सांस। 67 वर्षीय झा लंबे समय से चल रहे थे बीमार। भाजपा ने 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदला। राजस्थान में मदन राठौर और बिहार में दिलीप कुमार को मिली जिम्मेदारी। 6 राज्यों में प्रभारी भी बदले गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 50 तक गिरा। आप सांसद संदीप पाठक का दावा, कहा उनकी हालत चिंताजनक। इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को समर्थन में रैली करेगा। 25वें विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे पीएम मोदी। कारगिल के युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। जिंदगी नरवाना क्षेत्र में जसपा नेता अजय चौटाला की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने नील गाय आ गई, जिसके कारण गाड़ी का आगे का शीशा टूट गया। आपको बता दें कि जिंद में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की गाड़ी शुक्रवार दोपहर को ढाकल गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। दरअसल उनकी गाड़ी के आगे अचानक नील गाय आई तो गाय की मौत हो गई, जबकि अजय सिंह चौटाला और उनकी पत्नी नैना चौटाला सुरक्षित हैं। हालांकि इस दुर्घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलने के बाद नरवाना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अजय चौटाला को दूसरी गाड़ी से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। वहीं बताते चले कि अजय सिंह चौटाला सिरसा से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी गाड़ी ढाकल गांव के पास से गुजर रही थी तो अचानक उनकी गाड़ी के आगे नील गाय आने से हुआ हादसा। हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जसपा नेता दुष्यंत चौटाला ने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम जन में तो यही धारणा है कि गठबंधन भाजपा ने कराया है। वहीं साथ ही जसपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही गठबंधन की चर्चाओं पर कहा कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि राजनीति की संभावनाओं को कभी इनकार नहीं किया जा सकता। बताते चले कि जसपा मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत ने कहा कि पार्टी की सभी जिलों में बैठकें हो चुकी है। जिला प्रभारियों की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला संगठन को नए सिरे से गठन करेंगे। जसपा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव की तैयारियां जारी हैं। 1 अगस्त से पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारियों के साथ ग्राउंड पर उतरेगी। वहीं इनेलो और बसपा के बीच हुए गठबंधन से जुड़े सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि ये कितने दिन चलेगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इनेलो के साथ बसपा ने तीसरी बार गठबंधन किया है। साल 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान बसपा ने इनेलो के साथ भी गठबंधन किया और हमारे साथ भी। हरियाणा में शैलजा की पदयात्रा से बने नए राजनीतिक समीकरण। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी शैलजा की पदयात्रा से पहले नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। SRK गुट में किरण की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने ले ली है। वहीं वीरेंद्र की एंट्री से SRK गुट का नाम भी बदला गया है। दरअसल देश के शहरी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होने वाली कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा की पदयात्रा से पहले नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। शैलजा के नेतृत्व वाले SRK अब SRB गुट बन गया है। आपको ये भी बता दें कि SRK मतलब कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। तो शाम के विधायक किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसीलिए SRK गुट टूट गया था। लेकिन शैलजा ने 27 जुलाई से आरंभ होने वाली अपनी पद यात्रा का जो पोस्टर जारी किया है उसमें शैलजा व रणदीप के साथ वीरेंद्र सिंह का फोटो जोड़ दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का फोटो शैलजा रणदीप के साथ जुड़ने के साथ ही अब SRK गुट का नाम
एसआरबी गुट पड़ गया है। वीरेंद्र सिंह हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा आरंभ किए गए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की लॉन्चिंग के मौके पर भी सबसे आगे बैठे दिखाई दिए थे, लेकिन तब हुड्डा ने उन्हें बातों ही बातों में कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शक बोल दिया था। साथ ही ये भी बताते चले कि शैलजा की पदयात्रा के पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र के अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमुख स्थान पर दिखे, तो वही पोस्टर पर महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ सोनिया गांधी के फोटो भी लगे दिखे। पोस्टर से कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के फोटो वहां से गायब दिखे। पंजाब के सीएम भगवत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए हरियाणा के लिए 5 गारंटियां भेजी हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हाल ही में ये प्रदेश को समर्पित की हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को हिसार में चुनावी बिगुल फूंका है। इसी दौरान पंजाब के सीएम भगवत मान ने बरवाला की अनाज मंडी में आयोजित रैली को संबोधित किया। उनके साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं सीएम भगवत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी 5 गारंटी देगी। सीएम मान ने यह भी कहा कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद दिल्ली व पंजाब की तरह से इन गारंटियों को लागू भी किया जाएगा। बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए हरियाणा के लिए 5 गारंटियां भेजी हैं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हाल ही में ये प्रदेश को समर्पित की हैं। पार्टी की 5 गारंटियों में 24 घंटे बिजली, गरीबों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस सेवा, 1000 रुपये महीने की सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने की गारंटी शामिल है। हरियाणा में शुक्रवार को मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि सुबह सुबह पानीपत, गोहाना, घरोंडा, अटेली, भिवानी, कोसली और सफीदों में बारिश हुई, जिससे कई जगह जलभराव हो गया और तो और सड़कों और गलियों में 1 फीट तक पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा में आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और जिंद शामिल है। यहां आकाशीय बिजली और तेज हवाओं 30-40 kmph के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा और पंजाब दोनों जगह 31 जुलाई तक मानसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि मानसूनी हवाएं कमजोर रहने के कारण दोनों राज्यों के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हो पाई है, जिसके कारण उमस बनी हुई है। 31 जुलाई यानी आने वाले पूरे सप्ताह बारिश की संभावना है। तो ये थे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।